बिहार में अपराधियों को पाला क्यों जाता है, खासतौर पर जो शूटर है? जूम कर दो। जो पैसे लेकर मर्डर करते हैं, जो जमीन बालू शराब ऐसे चीजों को लेके जिसका पैसा हो गया हत्या कर, कोई शहर है जो जमीन के चलते आतंक का माहौल नहीं बना हुआ? राजधानी से लेकर के कोई ऐसा शहर? पूरा का पूरा व्यवसायी लगातार परेशान रहते हैं। एक तो बिहार में कभी पूंजी निवेश नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं आई, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं आई, पहले आप आम आदमी को जीने का तो अधिकार दीजिएगा, उसको मुस्कुराने का तो अधिकार दीजिएगा। अपराधियों का जगह जेल क्यों, उसका जगह शमशान क्यों नहीं? किस बात का डर? या तो आप शमशान भेजिए, या तो 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा दिलवाई। जेल तो उनके लिए चारागाह हो चुकी है, ऐशो आराम की जिंदगी हो गया। वहां से वे टॉर्चर करेंगे, मरवाएंगे, पैसे लेंगे, धमकी देंगे। जेल का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग। छोटे अपराधियों को बड़े अपराध, मिडिल क्लास और बड़े अपराधियों से मिलन, और बड़े अपराधियों के द्वारा फिर छोटे अपराधियों का इस्तेमाल। सबसे बड़ी बात क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, समाज भी अपने जाति के आधार पर अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है। मेरे जात का अपराधी है, मैं क्यों कहूं, मैं क्यों जाऊं? किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने किया? किस जात का बलात्कार हुआ, किस जात ने किया? सबसे पहले यही पूछा जाता है लोगों के द्वारा कि मर्डर करने वाली जाति कौन है, मर्डर होने वाला जाति कौन है। जिस समाज के लोग मरते हैं, थोड़ी देर वो उसके साथ खड़े होते हैं, और जिस समाज के लोग मारते हैं वो लोग चुप हो जाता है। दूसरी चीज, अपराधियों को नगर निगम में आप चुनाव जिताइएगा, बेगूसराय में कोनो आप, और अन्य जिले में कोनो शहर में आप कोनो नीक लोगों को चुनाव जिता है। 80 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया खर्च करता है एक नगर में, अपने बाप के घर से लाता है। लोग कहाँ से लाता है पैसा? अब वोट देता है ये व्यापारी और सब लोग वैसे ही अपराधी के माला पहनाइएगा। नेताओं ने तो यह स्वीकार कर लिया है कि बगैर अपराधी के हम चुनाव जीत ही नहीं सकते। घर में बैठेंगे, जाति का अपराधी को पकड़ के रखेगा नेता, और उसी के द्वारा वोट कैच करता है। तो जब वोट भी अपराधी ही दिलाएगा, बहुत क्लियर हम बता रहे हैं, 5 से 7-8 अपराधी बेगूसराय में तबाह कर दिया, 5 से 7 अपराधी। इस 7-8 अपराधी को मारने में दिक्कत क्या है? यदि थाना प्रभारी से लेके सब लोग सिंडिकेट में लगे रहेंगे, अब वसूली 2 लाख 3 लाख 1 लाख जब तक नहीं पूरेगा तब तक तो फिर सुरक्षा किस बात की होगी? बालू में सुरक्षा यही लोग, सिंडिकेट यही लोग, जमीन का सिंडिकेट यही लोग, शराब का सिंडिकेट यही लोग, CRPC का लिखेगा कौन, चार्जशीट करेगा कौन? और कोई ऐसा अपराधी नहीं है जिसको 3 से 6 महीना में कोर्ट बेल नहीं दे देती है। 2 बार क्रिमिनल एक्टिविटीज में जेल जाने के बाद कोर्ट बेल कैसे देती है, यह सबसे बड़ा सवाल नहीं है? कोर्ट कहती है चार्जशीट के आधार पर हमने दे दिया, या गवाही नहीं मिली हमने दे दिया।
सोसाइटी कहती है कि हमारा जात है मत बोलिए, नेता कहता है कि वोट हमको दिलाता है मत पकड़िए, सिस्टम कहता है कि जमीन कब्जा यही अपराधी करता है, हम क्या करें, पैसा तो यही पहुंचाता है, बालू का धंधा यही अपराधी करता है। मोकामा में एक ठो पार्टी दिया 56 वाले को, एक ठो पार्टी दिया 46 वाले, अब वोट दिया दोनों उसी को, हम देते हैं क्या, तो दीजिएगा आप 56 47। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।